हाय दोस्तों, मैं रविंदर सिंह। मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किसी हीट एक्सचेंजर में स्टीम फ्लो रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा यह है कि इन ए हीट एक्सचेंजर इफ़ यू आर हीटिंग द इफ्लुएंट 40 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस यूजिंग द स्टीम, देन वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच स्टीम विल बी रिक्वायर्ड टू हीट 1000 kg/h इफ्लुएंट इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ इफ्लुएंट इज 0.8 kcal/kg एंड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 500 kcal/kg एट 4.5 kg/cm² प्रेशर। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि 1000 kg इफ्लुएंट है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उसका टेम्परेचर हमको 70 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना है स्टीम के सहायता से। तो हमको कैलकुलेट करना है कि कितना स्टीम लगेगा हमको। तो दोस्तों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल हीट लोड। तो टोटल हीट लोड जब हम निकालेंगे तो ms∆T के द्वारा निकालेंगे। तो जब ms∆T के द्वारा निकालेंगे तो मास की वैल्यू पता है और एस की वैल्यू भी पता है, जो कि हमारा दिया है क्वेश्चन में 0.8, जो कि हमारा स्पेसिफिक हीट है, और T2 की वैल्यू भी पता है और T1 की वैल्यू। तो इस प्रकार हमारा जो टोटल हीट लोड निकलेगा वो 24000 kcal निकलेगा। यानी कि अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस वाले इफ्लुएंट को 24000 kcal हीट दे देंगे तो उसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। तो इसलिए हम इसको टेकन हीट भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों, हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो स्टीम है, स्टीम के अंदर कितनी टोटल हीट है। तो टोटल हीट ऑफ स्टीम जब हम कैलकुलेट करेंगे, m into λ, m जो है मास ऑफ स्टीम है और लैम्डा जो है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम है। तो दोस्तों, इसे हम बोल सकते हैं गिवेन हीट, यानी कि m into λ का जो वैल्यू है यह 24000 kcal के बराबर होगा। तो दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं गिवेन हीट बराबर टेकन हीट। तो गिवेन हीट में हमारा है m into λ और टेकन हीट में है 24000। तो जब यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा हमारा 48 kg/h। यानी कि दोस्तों, हमारा जो 1000 kg इफ्लुएंट है उसको 70 डिग्री पहुँचाने के लिए हमको 48 kg/h का स्टीम चाहिए 4.5 kg प्रेशर का। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।